करी पत्ते को ज्यादा दिनों तक ताजा और खुशबूदार बनाए रखने के लिए करी पत्ते के डंठल से पत्तों को हटा ले और उसके बाद इस तरह के डिब्बे में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा नीचे लगा दे। फिर इसमें करी पत्ते के पत्ते भर दे और ढक्कन लगाकर इसे फ्रिज में रख दे। इस तरह से महीनों तक ताजा और खुशबूदार बना रहता है। कच्ची मूंगफलियों को सालों साल स्टोर करने के लिए जिपलॉक बैग में बंद करें और फ्रीजर में रख दे, सालों तक खराब नहीं होंगी। कीवी ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहे इसके लिए कीवी को लाने के बाद सीधे फ्रिज में ना रखें, इसे ऐसे ही खुला छोड़ दें। फ्रीजर में रखने से कीवी गल जाती है। यदि आपको अनार के छिलके हटाकर उसके दाने निकालना बेहद मुश्किल भरा काम लगता है तो आप इस तरह की ट्रिक को आजमा सकते हैं। इस तरीके से चाकू से चीर लीजिए और एक चम्मच की सहायता से अनार के ऊपर थोड़ा सा प्रेस कीजिए। कुछ ही सेकंड में आप ढेर सारे अनार छील लेंगे। आपका समय भी बचेगा इस ट्रिक से और मेहनत भी। किचन सिंक को कीटाणु रहित रखने के लिए जो नींबू के निचड़े हुए छिलके होते हैं उन्हें 5 मिनट सिंक में पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद इस तरह से रगड़ दीजिए और साफ पानी से धो दीजिए। सिंक कीटाणु रहित हो जाएगी। यदि आप कच्चे आम का इंस्टेंट और ताजा अचार खाना पसंद करते हैं तो अमिया के छिलके हटा लीजिए और उसके बाद इसे चाकू से छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। जब इसे काट लें तो एक बाउल में निकाल लीजिए और उसके बाद मसाला जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सौंफ, साथ में नमक डालिए। फिर इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और अमिया का इंस्टेंट ताजा बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आप ग्रीन चिली लवर्स हैं तो आपको हरी मिर्च का इंस्टेंट और टेस्टी सिंपल सा अचार आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले तो हरी मिर्च को धो लीजिए और उसके इस तरह से गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब इसमें 2 से 3 नींबू निचोड़ दीजिए बीज हटाकर। जब आप इसमें नींबू निचोड़ दें तो उसके बाद हल्दी और नमक डालिए, मिक्स कीजिए। लीजिए, तैयार है आपका टेस्टी सा अचार। यदि आप और आपके बच्चे स्वीट कॉर्न खाना पसंद करते हैं तो मार्केट से इस तरह मोटे दाने वाली मक्का ले आइए। ये जो मक्का होती है टेस्ट में मीठी भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है। स्वीट कॉर्न इसी मक्का का बनता है। अब इसके छिलके हटा लीजिए और छिलके हटाकर इसे कुकर में डाल दीजिए। चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लीजिए। साथ में डालिए पानी, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। अब ढक्कन लगा दीजिए और तेज गैस पर 2 सीटी ले लीजिए। तैयार हो जाएगी आपकी स्वीट कॉर्न। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं। और यदि आपकी बच जाए उबली हुई मक्का तो इस तरह से जिप्लॉक बैग में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। अक्सर घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसमें थोड़ा सा अखबार का टुकड़ा इस तरह से बाहर निकला होता है क्योंकि इसमें ऐड छपे हुए होते हैं। पढ़ने में आसानी नहीं होती है, लोगों तक पहुंचते-पहुंचते तो ये फट ही जाता है। आप इस तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए, आसानी भी होती है पढ़ने में और फटेगा भी नहीं। कई बार महंगी साड़ियाँ और लहंगे को कई दिनों तक सुरक्षित रखना और संभाल कर रखना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। इसके लिए एक अखबार ले लीजिए और उसके अंदर साड़ी या लहंगे को लपेट करके रख दीजिए। अखबार खुले नहीं इसके लिए टेप लगा दीजिए और एक पैकेट सा तैयार कर लीजिए बिल्कुल इस तरीके का। अब एक कपड़े का बैग लीजिए और कपड़े के बैग के अंदर ये सारे पैकेट्स डाल दीजिए। आपके कई दिनों, महीनों, सालों तक ये कपड़े खराब नहीं होंगे, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।